फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और एकदम नई सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सस्ते में बन जाएगी। ना हम इसमें क्रीम का यूज़ करेंगे, ना काजू का यूज़ करेंगे, ना पनीर का यूज़ करेंगे। एकदम सस्ते में रसोई में रखे हुए लिमिटेड सामानों के साथ इस सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस सब्जी को बनने के बाद रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये एकदम नई और ज़बरदस्त सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें ज़रूरत होगी लौकी की। ये मैंने आधा किलो जितनी लौकी लिया है। लौकी कच्ची हो और अच्छी हो, यानी कि एकदम बढ़िया सी ताजी सी लौकी हो, तो बस लौकी को बढ़िया सा छील लिया और उससे पहले दो तीन पानी से वॉश किया। और लौकी को कर लेते हैं कद्दूकस। अगर आपने जो लौकी ली है वो कच्ची नहीं है, यानी कि पकी हुई है, तो उसके मोटे बीज हटा दें। तो चलिए इसे साइड से करते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी बेसन की। मैंने एक कप जितना बेसन लिया है, वज़न में देखेंगे तो करीब 150 ग्राम जितना बेसन है। और इसमें हम डालेंगे दो तीन हरी मिर्चें। उसके साथ ही लिया है थोड़ा सा अदरक, जिससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्रेंड्स, हम कोफ्ते नहीं बनाएंगे, इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा हल्दी डाला, थोड़ी सी मिर्ची डाली और ये डाल दिया एक कप जितना ही दही। एक कप दही डालना है, दो कप पानी डालना है, लेकिन पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, वरना बैटर में लम्स बन जाएंगे। और ये लीजिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है, एकदम लम्स फ्री बैटर है। तो चलिए वो जो बचा हुआ पानी था वो भी डाल देते हैं। तो ये गया एक कप और पानी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को शॉपिंग में इंटरेस्ट है या आप रिसेलिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है माहेश्वरी शॉपिंग पैलेस, उसे आप विज़िट कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन करके झटपट पैसे कमा सकते हैं। तो बेसन को अभी 10 मिनट के लिए साइड से रखते हैं। लौकी भी तैयार है, बेसन भी तैयार है, तो बस अब गैस ऑन करी और उसके ऊपर कढ़ाई रख दी। और उसमें गया 2 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल, स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, हल्का सा ठंडा किया। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया, साथ ही 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, बिल्कुल 1 पिंच जितनी हींग डाल देंगे। और ये साथ में गए थोड़े से करी पत्ते, हल्का सा गर्म किया। और उसके बाद हम वो लौकी डाल देंगे जिसे हमने कद्दूकस करके रखा था। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत में ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। कोई नहीं पहचान पाएगा कि इसे आपने लौकी से बनाकर तैयार किया है। लौकी को बस 2 से 2.5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए बढ़िया सी भाप बनी, लौकी हल्की सॉफ्ट हुई। तो उसमें डाल दिया 1 पिंच जितना नमक। उसके बाद लौकी को और 1 मिनट पका लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सब्जी का जो आपको टेस्ट और टेक्सचर मिलने वाला है, बिल्कुल पनीर जैसा मिलने वाला है। बस थोड़ी सा टाइम ज़रूर आपको ज़्यादा लगेगा, पर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो अमेजिंग होगा। तो बस लौकी पककर तैयार हुई और उसमें हम वो बैटर डाल देते हैं जो हमने बेसन से बनाकर तैयार किया था। बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। 1 कप आपको बेसन लेना है, 1 कप दही लेना है, 2 कप पानी लेना है और 1 कप ही आपको कद्दूकस करी हुई लौकी लेनी है। मेज़रमेंट इधर उधर हुआ तो या तो आपके जो पनीर के क्यूब्स बनने वाले हैं वो ड्राई हो जाएंगे, और मेज़रमेंट में पानी ज़्यादा हो गया तो वो लूज से रह जाएंगे, वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा। पकने में फ्रेंड्स सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, और एकदम कम ऑयल में और बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम नए तरीके की सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे अब 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, बहुत ही बढ़िया सा पक चुका है। तो अब इसको हम इस तरीके से एक बार टेस्ट कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मैंने पोर्शन अलग कर लिया है और उसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और जब ये इस तरीके से मूव करने लगे, हाथों पर स्टिक ना हो और प्लेट को भी छोड़ने लगे, इसका मतलब है ये परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गैस का फ्लेम ऑफ किया और इसे कर लेते हैं सेट। और उसके लिए एक बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे ले लिया है, जिसे बटर पेपर के साथ ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप इसे काउंटर टॉप पर या नॉर्मल किसी भी प्लेट में जमा सकते हैं, बस ग्रीस ज़रूर कर ले। फ्रेंड्स, इसे सेट होने में आपको 1-2 घंटे का समय नहीं लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट में बेसन और ये लौकी बढ़िया सेट हो जाएंगी। तो बस इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम एक साइड से रख देते हैं। और थिकनेस जो आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, वरना बाद में जो हमारे पीसेज हैं वो टूट जाएंगे। तो 15 मिनट रख दिया और 15 मिनट में फ्रेंड्स ये बढ़िया सा सेट हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लिया
और अब बारी है इसको से पीस कट करने की। पीसों का जो साइज है वो आप अपने मन से बना सकते हैं, थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे। और मैंने बस इस तरीके से इसे स्क्वायर कट कर लिया है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है और बहुत ही सॉफ्ट से बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, परंतु हम बना रहे हैं सब्जी तो उसके लिए 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और ले लिया और उसमें अच्छा सा गर्म किया और उसमें डाल दिया 1 पिंच जितनी हींग, साथ ही 1 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम राई डाल दी और ये गया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हम सब्जी में खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं और इस समय अगर गरम मसाला डालते हैं सब्जी में जो टेस्ट आता है वो अमेजिंग आता है। छोटी टिप है लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये अदरक और हरी मिर्च डाल दिए, सबको अच्छे से भून लेते हैं जिससे कच्चापन दूर हो जाएगा। आप चाहें तो इस समय लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। और ये गया बड़े साइज का प्याज जिसे चॉपर में चला लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं या बहुत बारीक काट सकते हैं। कच्चापन दूर हुआ प्याज का और उसमें हमने डाल दिए 2 टमाटरों की प्यूरी जिसे मैंने चॉपर में चला लिया है। और ये लीजिए मसाले को बढ़िया सा भूनते हैं और उससे पहले हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया और ये गई 1 टीस्पून से कुछ ज़्यादा लाल मिर्चें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, रंग बहुत अच्छा आएगा। और अब मसालों के साथ हम प्याज और टमाटर को जब तक भुनेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। फ्रेंड्स हाँ, इस समय आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और जब 4-5 मिनट में आपका मसाला भुन जाए आप उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश दही। दही खट्टा ना हो तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आप कोई भी दही डाल सकते हैं। और दही में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं और ये देखिए दही में बढ़िया उबाल आया। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। फ्रेंड्स इस समय आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कलर आया है, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ग्रेवी तैयार हुई तो इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद वो पीस डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने पीसों को उससे भी हाफ कट कर लिया है क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा बड़े लग रहे थे, साइज एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए क्या मज़ेदार हमारी सब्जी तैयार हो रही है। फ्रेंड्स इस सब्जी को तो आप रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बढ़िया लगेगी। चावलों के साथ भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। 5 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर पका लेंगे। 5 मिनट हुए, सब्जी परफेक्ट तैयार हो चुकी है और देखिए क्या बढ़िया लग रही है। कलर बहुत बढ़िया आया है, टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। आप किसी के आगे भी ये सब्जी सर्व करेंगे सबको बेहद पसंद आएगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर गया और 1/4 टीस्पून गया गरम मसाला। आप चाहें तो इस समय गरम मसाले को स्किप कर सकते हैं। और आप जो दही यूज़ कर रहे हैं अगर वो खट्टा है तो अमचूर पाउडर को भी स्किप कर सकते हैं। और ये क्या हरा धनिया, और ये देखिए बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स सच बताइएगा इस सब्जी को आप देखकर समझ पाए थे कि ये सब्जी किससे बनकर तैयार हुई है। मैंने तो जिसको भी इसे खिलाया वो नहीं पहचान पाया कि सब्जी किस चीज़ से बनी है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारी ये जो पीस बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें लौकी डाली है और लौकी से तो जो चीज़ बनाते हैं सॉफ्ट सी बनकर तैयार होती है। अब आप इस सब्जी को रोटी से सर्व करें, पराठों से सर्व करें, आपकी मर्जी है, चावलों के साथ भी बढ़िया टेस्ट करती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।